क्या आपको पता है फूड कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक उसी के बारे में। अगर हम रेस्टोरेंट बजट की बात करें तो तीन मेजर फैक्टर हैं, रेंट, सैलरी एंड फूड कॉस्ट, जो इसे कंट्रोल करते हैं। फूड कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर रेस्टोरेंट का सक्सेस डिपेंड करता है। आप चाहे रेस्टोरेंट मैनेज करते हैं या किचन में हैं या सर्विस में, डजंट मैटर, फूड कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि आप रेस्टोरेंटियर हो या रेस्टोरेंट वर्कर, क्योंकि रेस्टोरेंट वर्कर सिर्फ अपने शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करता है, लेकिन जो रेस्टोरेंटियर होता है वो रेस्टोरेंट को अपना मानता है और उसके सक्सेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है जो बिना लर्निंग के पॉसिबल नहीं। किसी ने सच कहा है, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं अजय एंड यू आर वॉचिंग फोक वैली। रेस्टोरेंट का आइडियल फूड कॉस्ट 30% के आसपास होना चाहिए, जो आपके मेन्यू प्राइस और वेंडर नेगोशिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कभी कभी ये काफ़ी ट्रिकी होता है। अगर आपका फूड कॉस्ट 30% से ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर ज़्यादा कम है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपका फूड कॉस्ट ज़्यादा है तो पोर्शन साइज और एक्सेस वेस्टेज इसका एक रीज़न हो सकता है, और अगर ज़्यादा कम है तो इसका मतलब आपका पोर्शन साइज बहुत ही ज़्यादा कम है, जो आपको एनालाइज करना होगा। अदरवाइज रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड डैमेज होगा, जिसका मतलब है कि कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए फूड कॉस्ट को पहले समझते हैं और बाद में इसको कंट्रोल करने के बारे में भी बात करेंगे। तो फूड कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है कॉल्ड वावा रेस्टोरेंट, और आपने उस रेस्टोरेंट को 1 अप्रैल को चालू किया, और उसे चालू करने के बाद हमने 1 लाख का फूड परचेज किया, जो हमारे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। और आज ये मान लेते हैं कि 15 तारीख है और आज हमें इन्वेंट्री लेनी है, क्योंकि फूड कॉस्ट करने के लिए इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है, और आज हम अपने स्टोर, फ्रिज और किचन की पूरी इन्वेंट्री ले लेंगे, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि 60,000 है। और अब हम ये मान लेते हैं कि 1 से 15 के बीच में हमने कुछ फूड परचेज किए जिसकी वैल्यू थी 40,000 रुपये। तो अगर हम इस ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू जो 1 लाख रुपये थी उसमें अगर 40,000 ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू होती है 1,40,000, और इसमें से अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो है 80,000, और उसे अगर हम अपने सेल से डिवाइड कर दें जिसकी वैल्यू 2,75,000 रुपये। तो अगर हम 80,000 को 2,75,000 से डिवाइड करें तो हमारे फूड कॉस्ट की वैल्यू आएगी 29.1%, और इस फॉर्मूला का लिंक इन एक्सेल फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो ये एक तरीका हो सकता है फूड कॉस्ट कैलकुलेट करने का। इसका और एक तरीका है जिसको रेसिपी कॉस्ट के थ्रू एनालाइज किया जाता है। उसके लिए पहले आपको रेसिपी कॉस्टिंग करनी होगी, और उसका फॉर्मूला भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस कैलकुलेशन के लिए आपको हर एक डिश की रेसिपी कॉस्ट निकालनी होगी, जो आपके इंग्रेडिएंट्स को ग्रामेज में कन्वर्ट करने के बाद होगा, और उसके बाद उसे रिसीविंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब वापस से एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने वावा रेस्टोरेंट की, जो हमने 1 तारीख को शुरू किया था। तो उसमें एक डिश है जिसका नाम है फिश फिंगर, जिसका पोर्शन साइज 200 ग्राम है, और हमारे फिश का कॉस्ट है 600 रुपये किलो, जिसका वेट डीबोन करने के बाद 750 ग्राम रह जाता है। अब उसका मतलब है कि उसका कॉस्ट 150 रुपये पर पोर्शन हो जाता है। और इसी तरह आपको हर डिश के इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट निकालना होगा, जो वन टाइम प्रोसेस है और बाद में आपको काफ़ी इजी हो जाएगा फूड कॉस्ट करने के लिए। और अब हम ये मान लेते हैं कि 1 से 15 अप्रैल तक हमने अपने वावा रेस्टोरेंट में 500 फिश फिंगर की सेल की, जिसका प्राइस था 550 रुपये। सो अगर हम अपने सोल्ड क्वान्टिटी 500 को 150 रुपये, जो हमारा फिश का कॉस्ट है, उससे अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 75,000 रुपीज़, जो उस पीरियड का कॉस्ट है। उसमें अगर हम अपना स्पॉयलेज या कोई एनसी है उसे ऐड कर लें, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 5,000 रुपीज़ है, तो ये हो जाता है 80,000। तो मतलब 80,000 हमारे रेस्टोरेंट का कॉस्ट है 1 से 15 अप्रैल तक फॉर दैट डिश। बाय द वे, स्पॉयलेज वो होता है जो कभी कभी हम डिश बना के रखते हैं बट वो बिकता नहीं है। और अब मान लेते हैं कि हमारा सेल 1 से 15 तारीख तक 2,75,000 था, और उस 80,000 को हमारे सेल 2,75,000 से अगर हम डिवाइड करें और उसको अगर मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 29.1%, जो हमारा फूड कॉस्ट। और हाँ, याद रहे, जो हमने फिश को डीबोन किया था और हमें 750 ग्राम जो मिला था, उसे रेस्टोरेंट लैंग्वेज में ईल्ड कहते हैं, जिसका मतलब होता है नेट वेट।
तो एग्जाम्पल अगर आप ऑनियन लेते हैं, उसको अगर पील करते हैं, तो उसके बाद जो आपका वेट आता है वो शायद 1 किलो में 900 ग्राम होता है, और वो जो 900 ग्राम है उसे यील्ड कहते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड रिमेम्बर, अ रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्न्ड। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए फूड कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं ये हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे। अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क एंड फॉलो 2 गज की दूरी।